अदिति और मैं रतन प्रिया, आप सभी का ग्रीन इंटर्नशिप शो में स्वागत है। क्या आप हमारी तरह यह सोच रहे हैं कि आप 12वीं कक्षा के बाद क्या करना चाहती हैं? क्या आप भी व्यवसाय करना चाहती हैं या फिर नौकरी करना चाहती हैं या फिर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती? तो यही वजह है कि हम इस शो में आपके साथ हैं और यह शो का नाम ग्रीन इंटर्नशिप शो है। हम आपके साथ हैं और आपके जैसे कई युवाओं से मिलने जा रहे हैं जो पूरे बिहार में अलग अलग जगह ग्रीन इंटर्नशिप शो करेंगे। चलिए हम रतन प्रिया से जानते हैं। रतन प्रिया, ग्रीन इंटर्नशिप शो क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए, नौकरी करने के लिए कुछ कौशल सीखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि जैविक नर्सरी, सौर ऊर्जा, टिकाऊ पैकेजिंग, मोबाइल बैंकिंग, मशरूम की खेती, जैविक खेती, मास कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ, जैसे क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कार्य करने का अनुभव प्राप्त करने के लिए। तुम क्या खाती हो रतन प्रिया, इतना कैसे बोल पा रही हो? मैं प्रैक्टिस करती हूँ आदिति, बोलने की प्रैक्टिस। क्या तुमने इंटर्नशिप किया है? नहीं आदिति, मैंने तो अभी तक कोई इंटर्नशिप नहीं किया, लेकिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर करना चाहूँगी। क्या तुम हमें बता सकते हो ग्रीन जॉब क्या होता है? जरूर, यह टिकाऊ है, यह जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखता है, यह पर्यावरण के लिए अच्छा है, भले ही सीधे तौर पर एक हरे रंग का उद्यम ना हो, जैसे कि तकनीकी व्यवसाय। इस इंटर्नशिप शो में आप ये जानेंगे कि इंटर्नशिप में क्या होता है, कैसे होता है, क्या 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 करना पड़ता है और भी बहुत कुछ। तो आज हम मिलेंगे और बात करेंगे कि सबसे पहला अनुभव अपने आप का होना चाहिए, ना कि किसी और का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको व्यवसाय करना है तो यह बहुत जरूरी है आपके लिए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर हमारे दो होस्ट हमें वहां पे चल रहे इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं सबा तस्नीम। मैं कोमल कुमारी। तो अभी हम सस्टेनेबल पैकेजिंग के इंटर्नशिप पे हैं, तो चलिए हम उन इंटर्न से बात करते हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और उनसे बातें करते हैं। हाय। हाय, मैं सबा तस्नीम। मैं कोमल कुमारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिल्ली कुमारी है। आप कौन से क्लास में है? मैं 9th क्लास से हूँ। और आप किस जिले से हैं? मैं पटना जिले से हूँ। तो आप सस्टेनेबल पैकेजिंग के इंटर्नशिप से हैं? हाँ, मैं सस्टेनेबल पैकेजिंग इंटर्नशिप से हूँ। आप इसके बारे में पहले से जानते थे? मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले जानती थी कि इससे हमारे पर्यावरण को कोई मतलब हानि नहीं होता है और इससे हम प्लास्टिक का कम यूज कर सकते हैं। तो आपने इस पर शोध किया था? हाँ, मैंने इस पर शोध किया था क्योंकि मुझे इसके बारे में और अधिक जानना था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन हूँ। आप कौन से क्लास में? मैं 9th क्लास की हूँ। आप किस जिले से हो? मैं पटना जिले की हूँ। तो आप सस्टेनेबल पैकेजिंग के इंटर्नशिप में? हाँ, मैं ग्रीन पैकेजिंग इंटर्नशिप से हूँ। तो आप इसके बारे में पहले से कुछ जानते थे? नहीं, पहले से ज़्यादा कुछ तो नहीं, पर थोड़ा बहुत जानते थे कि ये एक ऐसा चीज़ है जिस पे को प्लास्टिक को बचा कर और इसका थैले की यूज़ कर हम प्लास्टिक को रोक कर और पर्यावरण को दूसरी तरह से बचा सकते हैं। तो आप तक जो ये आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है? ये इंटर्नशिप अच्छा चल रहा है, इसमें हमें बहुत सी कुछ सीखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, जैसे कि ये फूल पत्तियों से रंग कैसे बनाया जाता है। कि आप इस इंटर्नशिप के बारे में जैसा सोची थी क्या ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है? इस इंटर्नशिप के बारे में हम जैसा सोच रहे उससे ज़्यादा बेटर हो रहा है। क्या आपकी मैम से कोई प्रतिक्रिया मिली? हाँ, हमारे मैम से बहुत सारी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें हम दूसरों से बेटर करने के लिए हम अपना जी जान हम अपना बेस्ट देने की कोशिश किए थे, जिसमें मेरा अच्छा आया था और जिससे मुझे ये सीखने को मिला कि हम और भी कुछ आगे कर सकते हैं। क्या आप इंटर्नशिप के लिए गई थी तो नर्वस थी? हाँ, मैं नर्वस थी क्योंकि मैं उस टाइम नई थी और मुझे नहीं पता था वो टीचर कैसी है, मुझसे क्या सवाल पूछेंगी, क्या होगा, इससे मुझे डर लग रहा था। आप ये इंटर्नशिप कर रहे हो तो वो अब तक कैसा चल रहा है? यह इंटर्नशिप अब तक बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इसे करके बहुत खुश हूँ। क्या आप इस इंटर्नशिप के बारे में जैसा सोची थी क्या ये बिल्कुल वैसा ही चल रहा है? नहीं, मैंने सोचा था इसमें बहुत कम चीज़ें सिखाई जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी सिखाई जाएंगी, पर मेरी उम्मीद से ज़्यादा इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई जा रही हैं और मैं भी बहुत अच्छी तरीके से इसी को सीखने की कोशिश कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। ये इंटर्नशिप कितने दिनों की है? ये इंटर्नशिप 15 दिनों की है। क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? नहीं, ये इंटर्नशिप 15 दिनों के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर हमें कुछ और ज़्यादा सीखने के लिए मिलता तो हम ज़्यादा जानते और ज़्यादा दूसरों को बता पाते, जिसके लिए हमें कम से कम 1 महीने की चाहिए थी। तो आपको इसे सीखने से क्या उम्मीद मिलती है?
हमें ये सीखने से ये उम्मीद मिलती है कि हम इसे आगे बढ़ा कर सकते हैं और दूसरों को बता सकते हैं, जिससे ये जल प्रदूषण रोका जा सकता है, वायु प्रदूषण रोका जा सकता है और खास करके जो प्लास्टिक से बीमारी फैली उसको रोक सकते हैं। अच्छा रिमझिम, आज का दिन तो खत्म हो गया, तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे और कुछ सीखना चाहिए था जो मैं नहीं सीख पाई। क्या आप भी कुछ ऐसा करना चाहती हैं? हाँ, मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। आप अपने दोस्तों से क्या सीख रहे हैं, सुन रहे हो? मेरे दोस्त मुझे जब मैंने यह इंटर्नशिप करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि अच्छा नहीं है या टाइम वेस्ट है, पर फिर मैंने उसमें बहुत सारी मेहनत की और उन्हें दिखाया कि देखो ऐसा डिज़ाइन बनता है और ये बहुत मतलब यूजफुल है हमारे लिए, फिर उन्होंने बोला कि यह बहुत अच्छा है, अच्छा तुम करोगे। अच्छा कंचन, आप अपना अनुभव बताइए। हमारा अनुभव जैसे हमने इस इंटर्नशिप पे ये अनुभव सीखा कि अपनी बातें दूसरों के सामने कैसे रखें, क्योंकि हमारे बहुत आजकल तो बहुत कोई सब बात बोल रहा है लेकिन हमारा बात एक यूनिक हो जिससे हमारी बातों को कोई सुने और हमारा बात एक अच्छा मतलब अच्छा से पहुँचे। तो आप अपने पास्ट कौशल के बारे में बताइए, जिसमें आप कहाँ पर और कैसे उपयोग करें। पहला कौशल है योजना बनाना, जब भी हम कुछ काम शुरू करते हैं तो पहले हमें योजना बनाना चाहिए। और दूसरा है सुनो कौशल, कुछ भी अगर हमें जरूरी काम से कुछ मतलब कुछ जरूरी चीज़ बताया जा रहा है तो हम अच्छे से सुनना चाहिए। तीसरा है टीम कौशल, हमें कुछ भी कुछ चीज़ करना चाहिए तो सामूहिक कर करना चाहिए जिससे कि हमें पता चले क्या गलत है क्या सही है। और चौथा है नोट्स बनाना, हमें हर चीज़ में नोट्स पहले बना लेना चाहिए जिससे हमें पता चले क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तो अच्छा जूली, आप अपना अनुभव बताइए। मेरा इस इंटर्नशिप का अनुभव बहुत अच्छा है, मैं इसे करके बहुत खुश हूँ, यह बहुत अच्छा है और ये आगे चल के मेरे बहुत काम आने वाला है। तो आप जो ये अपना व्यवसाय शुरू करेंगे उसमें इच्छुक युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं उन युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगी, इन्हें बताना चाहूँगी कि आप भी इसे करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आगे चल कर ये हमारे बहुत काम आने वाला है। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा जूली की क्या राय है, उन्होंने क्या क्या सीखा है, तो चलिए अब हम चलते हैं वापस स्टूडियो की तरफ। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय। चलिए अब बात करते हैं उद्यमी से और जानते हैं इंटर्नशिप के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आसिया। मैं तालिया। आज हम उनसे मिलना चाहते हैं जो सस्टेनेबल पैकेजिंग एक उद्यमी है। तो चलिए जानते हैं कि वो सस्टेनेबल पैकेजिंग क्यों करवा रही हैं, उनका मकसद क्या है और जानते हैं उनसे। चलिए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। हेलो मैम, मैं आसिया। हेलो मैम, मैं तालिया। आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम विंकी है। आप कौन सी काम करती हैं? मेरा खुद का ब्रांड है विंकीश और मेरी कंपनी है विक्री। मैम, आपने अपना व्यापार कैसे शुरू किया? इस लॉकडाउन में जैसे कि काफ़ी बहुत लंबा टाइम था तो मैंने उसमें बैठे बैठे ये सोचा कि जो भी मैंने सीखा है, क्योंकि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग से डिप्लोमा कर रखा है, उसके अलावा ब्लॉक प्रिंट से भी मैंने काफ़ी कोर्स किया है और मेरा अभी इस बार पेंटिंग से ग्रेजुएशन भी होने वाला है, तो इसको मैंने सोचा कैसे मैं खुद को इसमें डालूँ और दूसरों की भी हेल्प करूँ। तो फिर यहाँ से मुझे लगा कि मैं तो ब्लॉक प्रिंटिंग का ही आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो आप बच्चों को कैसे एवेल्यूएट करते हैं? तो मैं देखती हूँ कि वो बच्चे जैसे जिनका इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर जो बच्चे कैसे मतलब कितने क्रिएटिव हैं या कितना उनको आइडियाज़ है, वो कैसे उन आइडियाज़ को अपने क्रिएटिविटी के साथ ले रहे हैं, उस तरह देख के। मैम, अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे, क्या सलाह देंगे? किस फील्ड में आना चाहते हैं वो लोग अपने पहले जो चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को, अपने जो भी जो करना चाहते हैं, अब पहले एक जगह कहीं लिख लें ताकि उस पर वो सोच सके, काम कर सके, उसके बाद ही उसको उसके आगे प्रोसेस ला सके। तो आज आप लोगों ने ग्रीन पैकेजिंग इंटरप्राइज के बारे में सब कुछ जान लिया और साथ ही कार्य अनुभव प्राप्त कर रिटर्न से भी आप लोगों ने मिला। तो अब आपकी बारी, आप हमें बताएं अगर आपने आज हमें कार्य पर देखा तो आपने क्या क्या सीखा, आप हमें लिख कर बताएं। और अगर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो www.goingtoschool.com पर हमें संपर्क करें, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हम आपको 12वीं कक्षा के बाद खुद का व्यवसाय शुरू करने में और नौकरी करने में मदद करेंगे। क्या आपने हमारा शो एंजॉय किया? क्या
आप ग्रीन एंटरप्राइज इंटर्नशिप के लिए साइन अप करना चाहते हैं तो आप ही के अभी स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर हमें संपर्क करें। हमें अपना नाम, नंबर और आप किस तरह की इंटर्नशिप करना चाहते हैं हमें ये बताएं। हम आज ही आपको ग्राफिक नॉवल थीम की कॉपी भेजेंगे। आपको ग्राफिक नॉवल पढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही में आप उससे अपना खुद का ग्रीन उद्यम शुरू कर सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय।